जब वोट डालते हैं तो वहां किस तरह का होता है, हमारे दर्शक भी आपको सुनना चाहेंगे, उनको थोड़ी जानकारी मिलेगी कि नंबर्स में कैसे टिक का निशान लगाते हैं, क्या क्या ध्यान रखना होता है। देखिए साहब क्या होता है, बड़ी टेक्निकल वोट होती है राज्यसभा की जी। सबसे पहले हम लोग विधानसभा कमेटी रूम के बाहर एक हमारा वेटिंग रूम था जी, जिसके अंदर हम विधायकों को अपना आई कार्ड दिखाना होता है। हालांकि सबको पता हम विधायक है, फिर भी जो प्रोविजन है प्रोविजन है। ठीक। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता। अच्छा। ना कोई घड़ी, ना मोबाइल, ना कंप्यूटर, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं। कोई हमारे पास पेन नहीं होता, ये सारी चीजें वहाँ डिपॉजिट हो जाती है। ठीक। उसके बाद एक भाई वोट डालने अंदर जाता है, साथ ही विधायक, दूसरा भाई जो क्यू में खड़ा है, इतना डिस्टेंस रहता है, अंदर क्या हो रहा है वो भी नहीं देख पाता। अच्छा। जब हम अंदर जाते हैं, जाते जैसे हमसे साइन कराए जाते हैं, हमको एक बैलेट पेपर फोल्ड करके दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद वहाँ विधानसभा का एक कर्मचारी बैठा होता है, वो कर्मचारी हमारे को एक स्पेशल पेन देता है। वो पेन लेने के बाद हम एक बंद कमरे में जाते हैं, जो कि मतदान गुप्त होता है, आप सबको पता है जी। हम उस बैलेट पेपर को खोलते हैं। खोलने के बाद पहला कॉलम प्रत्याशी के नाम का होता है, दूसरा फोटो का, तीसरा एक खाली बॉक्स होता है। अच्छा। उस बॉक्स में हमको सीधी लंबी एक लकीर खींचनी होती है। अच्छा। उस लंबी लकीर बिल्कुल छोटी भी नहीं होनी चाहिए और उस बॉक्स के पार भी नहीं जानी अच्छा। चाहिए। उसके बाद उसमें किसी भी तरीके का निशान नहीं लगा सकते आप। अच्छा। कि बिंदी लगा दी, डॉट बढ़ा दिया, या तीन चार बार ऊपर नीचे घसीट के पेन चला दिया, या बीच की डंडी में गैस छोड़ दिया, कि आपने निशान ही नहीं लगानी उस वोट के ऊपर। उसके बाद उस पेपर को हमें बंद कमरे में ही फोल्ड करना है। अच्छा। मैं फिर कह रहा हूँ, उस पेपर को बंद कमरे में ही फोल्ड करना है। जब हम फोल्ड करके बाहर निकलते हैं तो जितनी भी पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं, उनके पोलिंग एजेंट होते हैं, सबके कैबिन बने होते हैं जी। वो कुर्सी डाल के बैठे होते हैं। पहले कैबिन में भाजपा के थे, दूसरे में हमारे कांग्रेस पार्टी के थे, जो हमारे प्रभारी भी हैं विवेक बंसल जी, तीसरे में दिग्विजय चौटाला जी थे, एक कैबिन में और भाई बैठे थे, मैं नाम नहीं जानता हूँ। उसके बाद एक तो ये कि हम उस कमरे में दूर से ही उनको वोट खोल के दिखा दे जी, उसमें ये डर रहता है कि अगल बगल वाले ने देख ली हमारी वोट तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक। उसके लिए हम लोग कैबिन के अंदर घुस के बिल्कुल उनके सामने उस वोट को खोल के दिखाते हैं जी, कि हमारे उनके शरीर के बीच में 6 इंच का भी फर्क नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पर फिर एक टेक्निकल पॉइंट है जी, कि हमको उस वोट को फोल्ड भी नहीं करना है जी, पीठ घुमा के फोल्ड नहीं करना जो बाकी लोग देख पाए। अच्छा। उसको हम वहाँ फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद सामने बैलेट बॉक्स होता है, हम उसके अंदर डाल देते हैं। पहली बात तो जिस भी प्रत्याशी ने ऐसी गद्दारी करी थी, संकेत पता लग जाना चाहिए था, क्यों नहीं पता लग पाया, बड़ी दुर्भाग्य की बात।